आपकी तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये तालियां इसी तरह बजाते रहना, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि जो अच्छे कलाकार की अच्छी बात पर ताली नहीं बजाता, उसे अगले जन्म में घर घर जाकर बजानी पड़ती है। तो तालियां बिल्कुल बराबर बजती रहे। अर्ज किया है, जो दिल में है उसे जताते रहना, जिसे चाहते हो उसे बताते रहना। जो दिल में है उसे जताते रहना, जिसे चाहते हो उसे बताते रहना, वरना एक दिन उसी की शादी में टेंट और कुर्सी सजाते रहना। ये आज मैं कुछ अलग सूट पहनकर आया हूँ, तो आप किसी गलतफहमी में मत रहना, किराए का है। मुझे तो बाहर एक आदमी मिल गया, बोला आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, अपने दर्जी का पता मुझे दो, मैं भी उसी से ड्रेस सिलाऊंगा। मैंने कहा एक शर्त पर दूंगा, तू उसे मेरा पता नहीं बताएगा। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी अलग रहती। मैं बस स्टॉप की लाइन में खड़ा था, मेरे पीछे लंबी लाइन, तभी वहाँ एक भिखारी आया। अब उसने ऐसा सिंपेथिक एटमोसफियर क्रिएट किया कि सभी लोग इमोशनल हो गए। किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 5 रुपए दिए, 5 मिनट में उसके पास 40 रुपए इकट्ठे हो गए। हम लोग बस के इंतजार में खड़े ही रह गए, अगला टैक्सी करके निकल गया। हमारे देश में बड़ी अजीब स्थितियाँ होती है। अब एक चोर का लड़का वकील बन गया। 6 महीने बाद मैंने उससे सवाल किया, प्रैक्टिस कैसी चल रही है? वो बोला, क्या खाक चल रही है, अभी तो पिताजी से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। 100 केस उन्हीं के पड़े हुए हैं। बड़ी अजीब हालत होती है देश में। मैंने एक जेब कतरे के हाथ में माला देखी, मैंने कहा लगता है सुधर गया। वो बोला, ऐसी बात नहीं है, दरअसल आज गलती से एक साधु की जेब काट ली, उसमें माला के अलावा कुछ नहीं निकला। तो हमारे देश में देखिए आत्महत्या बहुत होती है। इस पर एक सज्जन ने एक लेख में लिखा है कि आत्महत्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है शादी, और शादी से बचने का सबसे अच्छा तरीका आत्महत्या। ये तो शुक्र है कि हमारे देश में एक आदमी को एक से ज़्यादा शादी करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि जो लोग खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उनकी रक्षा सरकार करती है। यही कारण है कि मंडप से जब दूल्हा भाग खड़ा होता है तो लोग समझते उसकी हिम्मत जवाब दे गई, जबकि हकीकत ये होती है कि उसकी हिम्मत एंड टाइम पे लौट आती है, तभी तो वो भागा।